सकते हैं। तो क्या आप मुझे डरती हैं? मैं आपसे नहीं, आपकी इस चाय की तलब से डरती हूँ। जरा सी देर में हुए कि दीदी चाय चाहिए चाय चाहिए ऐसी आवाज़ें गूंजने लगती है इस घर में, है ना? चाय पी लीजिए, फिर तो ठंडी हो जाएगी और वापस मुझे गर्म करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। ओके ओके ओके। दीदी कल रात मीनू की मामी आई है। क्या बात है दीदी? मामी के आने की बात जानने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं, मीनू की तबीयत के बारे में नहीं पूछा? I'm sorry, actually वो मेरा ध्यान उतर गया था। मीनू की बात आपके ध्यान से उतर जाए, ये बात को समझ में नहीं आई। बस कर पंकज, तू वकीलों की तरह क्रॉस एग्जामिनेशन मत कर और बता मीनू की तबीयत कैसी है। मीनू की तबीयत बेहतर। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है लेकिन लेकिन क्या दीदी? मामी रात में उसे कुछ और कहना है। क्या कहना चाहती थी वो? कह रही थी कि मीनू की खुशियां कैसे वापस लौटाई जा सकती हैं, ऐसा क्या किया जाए जिससे मीनू को उसकी जिंदगी वापस मिल जाए। लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता बताया उन्होंने? मीनू को मैं अपना लू, मीनू की आखिरी इच्छा है और उसके लिए मीनू की खुशियों के लिए इनफैक्ट उसे भीख मांग रही थी। सब के सब पागल हो गए हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दीदी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? ये उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती पंकज, और रिश्ते कभी भीख में नहीं मिला करते। मैं उससे बात करती हूँ और तुझे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई किस तरह की बात करने की जरूरत है। क्यों मुझे बात करने की जरूरत क्यों नहीं? मैं कह रही हूँ ना इसलिए। दीदी मैं कोई बच्चा नहीं जो आप हर बात पर अपना पैसा सुना देती। ये मत करो वो मत करो, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उससे दूर रहो। मैं कोई इतना पैसा ले सकता है नहीं। लेकिन इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? बात ही ऐसी करती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपके और मीनू के बीच में हुआ क्या। अच्छा चुप कर और कान खोल के सुन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरी मर्जी यहाँ चले नहीं हूँ। कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ मैं जानती हूँ भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाओ भाभी? आज सागर ने मेरे हाथ से चाय लेके फेंक दी। बात बात पर मुझे ताली देता है, कहता है कि मैंने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। किसने किसका फायदा उठाया किसका नहीं, अगर ये सोचते बैठोगी ना तो सारी जिंदगी निकल जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मैं अपनी गलतियों की भरपाई कैसे करूं? अपनी गलतियों की भरपाई के बारे में सोचने की जगह तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सोनिया, बहुत वक्त है तुम्हारे पास, तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मैं ये अकेली नहीं संभाल सकती, मुझे इसके लिए सागर का साथ चाहिए। तो वो तो होगा ना तुम्हारे साथ, गृहस्थी की गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सागर मुझे अपनाने के लिए तैयार है। क्यों? अभी मैंने उसका बहुत दिल दुखाया, बात बात में मैंने उसे हर्ट किया। तो अब आइंदा से तुम इन बातों का ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। मैं तो ध्यान रखूंगी कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो।
समस्या ही नहीं होगी, हम तो परेशान हो रही हो। भाभी मेरी परेशानी की एक वजह है। क्या? सागर का बेरुखापन, उसको लेकर मैं घबरा रही हूँ। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, जब जागो तब सवेरा। मैं तब जागी हूँ जब बहुत देर हो चुकी है, जब मेरा सब कुछ खो चुका है। कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें होश तो आ गया ना, यही बहुत अच्छा है। भाभी मेरे टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए क्या आप मेरी मदद करेंगी? अपनी छोटी बहन समझ कर आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। देखो अगर तुम बदलने के लिए तैयार हो तो सब ठीक हो जाएगा। और वैसे रिश्तों को संभालने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। क्या आप सागर से बात करेंगे? मैं सागर से बात करूंगी। तो सोनिया मेरे सामने फिर रोने लगी। क्या कह रही? कल पूरी रात सोई नहीं। सागर तुम चाहे मुझे मारो पीटो जैसा भी सुलूक करो, पर मुझे इस घर से मत निकालो। बहुत बेचारगी से गई थी इसलिए मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं घरों भी तो क्या करूं। देख सागर, सोनिया ने जो गलती की है वो बहुत बड़ी। लेकिन मैं एक बात मानती हूँ कि हर गलती की माफी तो होती है। तुम उसे माफ कर दो। जिंदगी तुझे उसके साथ बितानी है, मुझे नहीं। तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आया, इतना उलझा दिया ना उसने मुझे, तो उसकी हर बात मुझे ड्रामा लगने लगी। और हर बात में इसी तरह ड्रामा देखने लगा ना तो जिंदगी मौत बन जाएगी। मैं मानती हूँ कि उलझने हैं, लेकिन अगर इन उलझनों को सुलझा सकता है तो तेरे लिए ही अच्छा है। मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे उस पर यकीन करने से डर लगा। किस बात का? ये कि कोई नया हंगामा ना खड़ा कर दे दीदी, उसके दिमाग का कोई भरोसा तो है नहीं। अब क्या फतूर चालू हो जाता है, इस बात का कोई भरोसा नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसका दिमाग खराब करने वाले उसके माँ बाप थे। ऐसी बात नहीं है दीदी, सबके सब पागल है उसके घर में, एक नंबर के सौ।